राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनी है तब से महापुरुषों का अपमान कांग्रेस की पहचान बन गया है। कल ही उन्होंने जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का प्रतिभा खोज से नाम हटा करके और उनके नाम का एक परीक्षा का जो लिया है अनुपयोगी बताया है, मुझे लगता है कि उनका वंशवाद के चक्रव्यूह में वो फंसे हुए हैं। इस आधार पे प्रखर राष्ट्रवादी दीनदयाल उपाध्याय के नाम को उन्होंने हटाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सबसे पहले अंत्योदय और एकात्म मानववाद का उन्होंने दृष्टिकोण दिया। बहुत एक महान आर्थिक चिंतक थे, लेकिन कांग्रेस को केवल वंशवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है, जबकि देश भर के अंदर नेहरू जी, गांधी जी, राजीव गांधी के नाम से 20 से अधिक योजनाएं चल रही हैं। उस समय एक प्रतिभाशाली महापुरुष जो केवल जनसंघ का संस्थापक नहीं लेकिन देश का एक महान व्यक्तित्व रहा है, उसके नाम से, उसकी प्रतिभा के नाम से जब खोज प्रतिभा की तो इनको निश्चित से हटाने में मुझे लगता है कि इनका अपमान करने का जो स्वभाव है उसके आधार पर इन्होंने हटाया। इसके पहले इन्होंने वीर सावरकर के पाठ में वीर शब्द को हटाया और उनके बारे में जो अनर्गल बातें लिखी गई मैं समझता हूँ वह भी इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाली बात है। सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास हुआ। आज तक देश के इतिहास में स्वतंत्रता पूरे आंदोलन में किसी को भी 2 बार आजीवन कारावास नहीं हुआ। उसमें सेलुलर जेल जो कि एक तरह से काला पानी कहा जाता है वहाँ उनको रखा और वहाँ पे रखने के बाद 7:30x13 के एक कोठरी में बंद रखा वर्षों तक और चक्की पिसवाई गई। यहाँ तक के जो तेल की घाट थी उसको भी उसमें इन्होंने बैल की जगह इनको जोता। इस प्रकार के महापुरुष का उन्होंने अपमान किया है, मैं समझता हूँ कि इसका भी जगह जगह विरोध हो रहा है कि आखिर कांग्रेस सरकार क्या चाहती है। उसके पूर्व इन्होंने जौहर प्रथा और सती प्रथा का मुद्दा उठाया कि जबकि सती के साथ जौहर को जोड़ना ये अपमान है नारियों के साथ। सती प्रथा तो वह होती है जिसमें एक महिला अपने पति के शव को लेकर के आग में बैठती है, जबकि जौहर जो है वो आतियाओं से अपनी इज्जत बचाने के लिए वहाँ जौहर करती है जो पद्मिनी ने किया, अपने आन की रक्षा के लिए करती हैं। तो ऐसे में उसको ये नहीं पता कि क्या जो है इस प्रकार का जौहर और सती में अंतर होता है। चौथा भी उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो गणित पढ़ाई जा रही है उससे पकौड़ी तलने वाले तैयार होंगे। पिछले 5 वर्षों में राजस्थान के बच्चों ने चाहे जेई चाहे नीट सभी परीक्षाओं में अपना परचम देश भर के अंदर फहराया है, इसी गणित को पढ़ करके उन्होंने परचम फहराया और इसलिए उनको इस प्रकार का कहना ये लाखों विद्यार्थियों का, महा शिक्षकों का और अभिभावकों का एक तरह से खुला अपमान है। और इस प्रकार की बातें करना मैं समझता हूँ शायद कांग्रेस के पास अब 25 में से 25 सीटें उनके हारने के बाद और भारतीय जनता जीतने के बाद शायद उनके कार्यकर्ताओं और उनके पास पकौड़ी तलने के अलावा कोई काम शायद बचा नहीं है, इसलिए इस प्रकार के अनर्गल आरोप वो लगाते जा रहे हैं। शायद इनको समझ ही नहीं है क्योंकि एक तरह से आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिकरण शिक्षा का कर रही है। शिक्षा का राजनीतिकरण तो खुलेआम कांग्रेस कर रही है, हाल ही में जो ट्रांसफ़र कर रही है वह भी द्वेषता और बदले की भावना से वो कर रही है। हमने कभी किसी राजनीति में रखा नहीं और सारे पाठों में किसी पुराने पाठ को हटाएंगे, 200 से अधिक वीर और वीरांगनाओं के हमने पाठ जोड़े। शिक्षा इसलिए दी जाती है कि अच्छा देशभक्त और श्रेष्ठ नागरिक तैयार हो, उसमें आपको कोई जोड़ना है तो आप जोड़ो। और पिछले दिनों एक समाचार पत्र ने एक बिना अध्ययन किए उन्होंने 2 चित्र छापे जिसमें एक चित्र में बताया कि कश्मीर के हिस्से को नहीं दिखाया गया। मैंने वो चित्र देखा है, उसे समुद्रगुप्त राज्य को उन्होंने उसको दर्शाया है, उसमें देशभर का पूरा चित्र नहीं आ सकता, वह ऊपर से कहीं बंद भी नहीं किया है या अखंड जा रहा है, उस प्रकार के चित्र की चर्चा करना। और साथ में सिक्किम चूँकि बहुत छोटा है उसके अंदर वह नाम नहीं लिख करके उसके बाहर नाम लिखा है, उसको अनर्गल बात करना मैं समझता हूँ ये शोभा नीता शिक्षा मंत्री को और अन्यों को ज़रा पाठ्यक्रम का पूरा अध्ययन कर जरूर एक खुली बहस के लिए तैयार हूँ कि कहाँ कहाँ क्या है।
लेकिन इस तरह से राष्ट्रभक्तों का अपमान नहीं सहन करेंगे और आवश्यकता लगी तो हम इसका सड़क से लेकर सदन तक हम इन मुद्दों को उठाएंगे, संघर्ष करेंगे और इस प्रकार के मुद्दों पर इनको बैकफुट पर लाने का प्रयत्न करेंगे। हालांकि कांग्रेस के अंदर भी अंतर्द्वंद शुरू हो गया, अभी सत्ती और जौहर को लेकर के और महाराणा प्रताप को लेकर के इनके एक मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने स्टेटमेंट दिया है और पूर्व जो विधानसभा के अध्यक्ष थे शेखावत जी उन्होंने दिया है, गोपाल सिंह इडवा ने दिया है, तो इनके अंदर ही चर्चा चलिए। मैं तो इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, वो आपको कोई पूछना।